होशियारपुर का सरकारी अस्पताल किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा का विषय बना रहता है। मौजूदा समय में सरकारी अस्पताल में बिजली की दिक्कत के चलते यहाँ के स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ ने बताया कि बिजली से चलने वाले उपकरण काफी दिनों से खराब पड़े हैं। शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया, जहाँ पर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कदर तो नहीं है लाइट जी, दो दिन हो गए जी। की प्रॉब्लम की दस है? प्रॉब्लम तो ले पता नहीं लग रही, सानू तो कोई पता नहीं है इस बारे, इतने ड्यूटी दे बैठे हैं 9 बजे दे। ते काम में दे विच कोई प्रॉब्लम आंदी सानू? हां जी, गर्मी ने प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर बंद है साडे जी, पक्के बंद है जी, कई बार की सारा सिस्टम जो है बंद है, मैनुअल काम तुहानू पता ऑफिस से थोड़ा हुंदा है, इस करके सारा काम कंप्यूटर ते करना पैंदा है, इस करके प्रॉब्लम आ रही है। इस बारे में जब डॉक्टर रजनीश सैनी सहायक सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में यह बात अभी आई है, इस संबंध में बिजली बोर्ड से बात कर इंजीनियर बुलाए जाएंगे और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। केबल अंडरग्राउंड की प्रॉब्लम आई है और उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, तो आज शाम तक हो जाएगी, लेकिन इवन वर्किंग साड़ी जो है वो चल रही है। होशियारपुर से आजाद टीवी न्यूज के लिए अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट।